मिर्चा बैठक में सर क्या बात? नहीं, ये तो देखिए, जो प्रभारी मंत्री होते हैं, बैठक समीक्षा बैठक जिला का विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करते रहते हैं, और जो भी माननीय जनप्रतिनिधि या और भी बाढ़ सुखाड़ पर जो भी तैयारी जिला को करनी है, तमाम बिंदु पर हम लोग उसको देखते हैं और जिला का विकास कैसे हो, जिला का कोई कार्य यदि अनियमितताएँ हो रही है तो उसकी भी जाँच वगैरह का हम लोग देखते हैं। तो सभी बिंदु पर विषयवार जो जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, माननीय विधायक जो पिछली बैठक में उठाए थे, उसका अनुपालन प्रतिवेदन पर बात हुई, और फिर आगे भी कुछ लोग जो अन्यान में समस्या रखे हैं उस पर भी विचार हुई है, और विभाग को, सभी विभाग को कहा गया है कि अगली बैठक से पूर्व तैयारी होके आवे और अनुपालन प्रतिवेदन जो भी भेजें, जो माननीय सदस्य का कोई सवाल है, जो कोई प्रश्न है, और उस पर जांच और अभी जो कुछ कहीं लगता है कि कहीं कोई मान्य सदस्य संतुष्ट नहीं है तो उस पर जांच कमेटी हो रहा है। अच्छा, मनरेगा में सर बहुत यहाँ पर गड़बड़ी है, मनरेगा पर क्या हुआ है? उस पर भी चर्चा हुई है, जिला नौतन और मझौलिया में विकास आयुक्त ने स्वयं कहा है कि हम देखेंगे और देख नहीं, नहीं, पीओ और जेई जो मिल का काम करते हैं, कभी भी जिला से कोई जांच नहीं होता है मनरेगा के, खासकर मझौलिया और नौतन का, उन लोगों का मैनेज है पूरा, इस पर आप क्या कहेंगे? स्पेसिफिक तो नहीं, लेकिन जिला के संबंध में मनरेगा में यदि कोई गड़बड़ी हो रही तो जिला विकास आयुक्त के हैं कि हम उसको देखेंगे गंभीरता से, और इसमें कोई गड़बड़ी हुई होगी उस पर कार्रवाई। डीपीओ का ट्रांसफर हो गया, अभी तक जमे हुए हैं, ये सवाल तो नहीं उठा है यदि, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कि जिस डीटीओ का ट्रांसफर हो गया वो अभी तक जमे कैसे? नहीं, जानकारी हमारे संज्ञान में नहीं था, संज्ञान में दिए तब पता करते सर। एक चीज और, पीपी तट अभी सीएम भी बगहा में पारस नगर में बांध का निरीक्षण किए थे और वो बांध धस गया है, तो उस पर क्या कार्रवाई होने जा रहा है जेई और एसकोटी पर? बांध धस गया है ये तो हम लोग के संज्ञान में नहीं, यदि आप जानकारी और विधायक अलग से इसको, बगहा विधायक बता रहा है कि नाले के पानी से वह बांध धस गया है। क्या नाले के पानी का जब बेग नहीं सह सकता है तो बाढ़ के पानी का बेग क्या सहेगा? उस पर भी अन्य विधायक ने उठाया है और हम लोग इसको गंभीरता से लिए हैं और हम लोग ने निर्देश किया है इसको देख लीजिए, इसके लिए कोई दोषी है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। आपका पीएचडी विभाग होगा, निदान भी होगा इस पर। पीएचडी विभाग तो गर्मी में सब कॉल स्टार्ट कर देना चाहिए, पुराने डीएम आदेश कर देते हैं और एसपी इंजीनियर कहने के बाद भी कुछ नहीं किया। स्पेसिफिक हम बता दें सारी कि पुरानी चापाकल जो भी मरम्मत योग होगा सभी को निर्देश दे दिया गया है, सभी को चालू करने के लिए, और जहाँ भी मान ली आपदा में सुखाड़ वगैरह में जरूरत होगा वहाँ भी नया चापाकल है। लेकिन जिससे लोगों को दवा का लाइसेंस नहीं मिल रहा है, आरडी का अलग है, नगर विकास से अलग है और पीएचडी से अलग है। पीएचडी हम लोग पीएचडी से जहाँ भी गड़बड़ी है कहीं का शिकायत दे दीजिए, उसको तत्क्षण करा देंगे। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीआरडी हो या पीएचडी हो या नगर विकास विभाग हो, तीनों को समेकित रूप से कहें कि एक जगह नल जल योजना का पीएचडी विभाग देखेगी और उसको शीघ्र उस पर कार्रवाई हो रही है, और आपको तुरंत पीएचडी विभाग का मतलब को सर चार बार पांच बार मोबाइल पर व्हाट्सएप पर कहा गया है। क्या कहा गया है व्हाट्सएप? कि मझौलिया में दो तीन जगह आपका चापाकल खराब है, आप बनवा दीजिए। तो हमेशा कहते हैं कि यही जा रहा है लेकिन बनता नहीं है, दो महीना का कह रहे हैं निश्चित रूप से आपको तीन दिन के अंदर में ये मरम्मत योग होगा तो कर दिया जाएगा। अच्छा, दूसरा चीज यहाँ पे असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर का कल ही आज ही आदेश करते हैं कि कल जाके ठीक कर सर, यहाँ ठीक करने योग हो सर, का पद खाली है, लोगों को दवा का दुकान का लाइसेंस नहीं मिल पा रहा है सर, दिसंबर में रिटायर कर गए, ये मई है सर, कब तक वहाँ पर पद खाली है वहाँ पे? ठीक है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मामला है। नियत और नीति पर कि जिस नड्डा से भैरव का रोड आर सिटी का है, सबसे कंडम रोड बिहार में है, मैंने उसका जब वहाँ से सुनाया, चार पदाधिकारी, सचिव महोदय, इंजीनियर चीफ और दो और पदाधिकारी दस्तखत करके भेजे फिनांशियल खोलने के लिए, फिनांशियल खोल कर बीड पर गया दस्तखत करने के लिए। जब देखा कि मैं फरवरी में आया और 18 फरवरी को मैंने फेसबुक डाल दिया कि अब क्या दिक्कत है, अब किस कॉन्ट्रेक्टर हो गया, तो उन्होंने जब हम गए उनसे मिले तो कहते हैं कि साहब ये 3 बजे से है काम और क्यों वही अटका हुआ, किसी खास कॉन्ट्रेक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए। मैंने कहा कि मैं कहीं टेलीफोन से किसी आपके पदाधिकारी को टेलीफोन नहीं किया हूँ, न कहीं लेटर पट से भेजा हूँ कि आप इसको इस काम को रोक दिए, दूसरे कॉन्ट्रेक्टर को देना है।
तो हमें कहीं तो कमी नहीं भाई साहब, आपके नियत क्या है? आप बीट पर दस्तखत कर रहे हैं, आपको 13/18/2023 को आपने फिनांशियल खोलने के भेजे और वहाँ से गया, तो आप किसी खास व्यक्ति को पहुँचाने के लिए तो आपकी मंशा है। जैसे सुनने में आया कि एक के माने उस दबाव में वह काम रोका गया हो और वहाँ के लोग आज गड्ढे में जा रहे हैं, और कुछ फेसबुकिया नेता लोग हैं, जब काम होना होता आर ओ बी का हो या बांध का निर्माण हो या सड़क के निर्माण होना है, वहाँ जिसे पता लगता है तो वे एक दिन पहले जाकर और धंधा पर बैठ जाते हैं या लोगों से गेन करना चाहते हैं। तो मेरे को तो इन्होंने कहा कि भाई आप आ जाइए, मुझको पता रहते हुए हैं आज की मीटिंग में क्या और सुनिए आज सुन लीजिए पहले इस बात को, ये भी गंभीर मामला है। तो इन्होंने कहा कि हमें गया जान होगा स्ट्रिक्ट हैं वो, मैंने किसी को खुश करने वाले नहीं है। ये आपको लगता है कमेटी बनाकर जितने जांच की बात हुई है कि क्या कमेटी बनाओ जांच करें, अभी बगहा जाएंगे उनको के द्वारा जो काम हुआ है उसको जांच कराएगा लोग। पिछला जांच हुआ कि नहीं? पिछला जांच जो लिपापोती है, अब जिस हॉस्पिटल के विरोध में मैंने कहा था उसको उसी के पता दे प्रभारी को दे दिया गया, चिकित्सा प्रभारी को दे दिया, निर्देशित किया गया, क्या मतलब है? मैं जमीन पर काम करता हूँ और काम करने के लिए मैं किसी छुपता नहीं हूँ, मैं हाजिर हूँ और इस सरकार की नीयत पर शक है, सरकार काम नहीं करवा रही है, मैं आपके साथ हूँ। आज जो समीक्षा बैठक हुई थी, इसके पहले भी समीक्षा बैठक हुई थी, तो पिछले समीक्षा में जो कार्रवाई होना था उसमें आज क्या क्या कार्रवाई हुआ, क्या बहस हुआ? देखिए कार्रवाई में जो पहले का है, अभी नए जिला पदाधिकारी आए अब